हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट फ्रॉम रेलवे की तरफ से। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आया है जहाँ पे 11,000 वैकेंसी इस बार ऑफिशियली रिक्रूटमेंट किया जा रहा है फ्रॉम रेलवे की तरफ से। रेलवे के अंदर TTE की पोस्ट है, आज उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो रेलवे TT की या TTE के जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा उसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। देखते रहेगा पूरा वीडियो लास्ट तक अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। रेलवे की तरफ से इस बार की ऑफिशियली जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके लिए अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आपको रेलवे के अंदर वहाँ 11,000 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जाएगा, जिसके अंदर 10th एंड 12th पास करने वाले भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। सैलरी आपको 23,000 तक सैलरी दिया जाएगा। लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2023 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज की इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। दोस्तों, इस बार ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अंदर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर या आपका TTE जिसको कहा जाता है उसके बारे में सारे जानकारी दूंगा। तो एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। रेलवे की रिक्रूटमेंट है RRB की तरफ से। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे जो है स्टेशन वाइज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो चलिए बता दें, फर्स्ट आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ ग्रेजुएशन पास। अगर आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हो, ग्रेजुएशन का पास कंप्लीट करना होगा। ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। 21 से 30 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है 21 एंड 30 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एज रिडक्शन भी मिलेगा। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो तो एज रिडक्शन की अगर बात किया जाए, SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स तक के एज रिडक्शन भी मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात किया जाए तो 750 रुपीज़ फॉर जनरल एंड OBC, 350 रुपीज़ फॉर SC ST PWD कैंडिडेट को यहाँ पे चाहिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हो, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस भी जमा करना होगा। इस बार की ऑफिशियली रिक्रूटमेंट जो है ग्रेजुएशन पास मैंने आप लोगों को बताया, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10th पास। अगर आप 10th पास करके बैठे हैं तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन करने के लिए आपका जो और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए उसको भी आप बताऊँगा। बेसिकली एप्लीकेशन इस बार ऑनलाइन में होने वाला है। तो रेलवे की तरफ से हर बार की तरह रेलवे की हर एक पोस्ट के लिए ऑनलाइन में एप्लीकेशन कर दिया जाता है। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए फॉर TTE के लिए, आपको CVD एग्ज़ाम आपको क्रैक करना होगा। इफ़ यू आर क्रैक द CVD एग्ज़ाम देन यू कैन गोइंग फॉर द इंटरव्यू। और आपका फिजिकल टेस्ट भी एक होने वाला है, तो इसके ऊपर बेस करके बेसिकली सिलेक्शन किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जा रहा है तो आपको क्या करना होगा। पहले तो आपको एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन में इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको एप्लीकेशन करना होगा, जहाँ पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर चुके थे उसको ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, वो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका एज प्रूफ सर्टिफिकेट, कास्ट प्रूफ सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो बेसिकली इन सारे चीज़ों को लेके आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा।
ध्यान में रखिएगा 15 दिसंबर 2023 इज़ द लास्ट डे, उससे पहले ही आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। यही था आज की वीडियो, अगर पसंद आया डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।